सोलन की सब्जी मंडी में जहां एक और किसान टमाटर के विक्रय को लेकर एपीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो वहीं एपीएमसी सोलन के सचिव प्रकाश कश्यप ने एक बार फिर से ऐलान किया है कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ में किसी भी तरह की जाति नहीं होने देगी। उन्होंने बताया कि कुछ किसानों ने सब्जी मंडी के बाहर धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद उनके साथ बैठक भी की। उन्होंने कुछ मांगे एपीएमसी के समक्ष रखी हैं, उनमें से कुछ मांगों को मान लिया गया है और कुछ पर विचार किया जा रहा है। सोलन की सब्जी मंडी में जहां एक और किसान टमाटर के बिक्री को लेकर एपीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, वहीं एपीएमसी सोलन के सचिव प्रकाश कश्यप ने इस बार फिर से ऐलान किया है कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ में किसी भी तरह की ज्यादती नहीं होने देगी। उन्होंने बताया कि कुछ किसानों ने सब्जी मंडी के बाहर धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद उनके साथ बैठक भी की गई। उन्होंने कुछ मांगे एपीएमसी के समक्ष रखी थी, उनमें से कुछ मांगों को मान लिया गया है और कुछ पर विचार विमर्श किया जा रहा है। एपीएमसी सोलन के सचिव प्रकाश कश्यप ने बताया कि किसानों के साथ टमाटर बिक्री को लेकर कई बार बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें कुछ किसानों की मांग थी कि उनका टमाटर क्रेट के हिसाब से नहीं बल्कि वेट के हिसाब से मंडी में बिके, इसलिए हमने किसानों को दोनों विकल्प दिए। अब जैसे भी अपनी फसल बेचनी चाहे बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि मंडी में हर आड़ती को बेट मशीन रखने के आदेश दिए गए हैं और जल्द ही मंडी में एक धर्म कांटा भी स्थापित किया जा रहा है, ताकि किसानों को किसी भी तरह से परेशानी का सामना न करना पड़े। देखिए, ये पीएमसी प्रशासन बिल्कुल किसानों के साथ है। हमने आड़तियों से भी बातचीत की है, दो तीन दौर की मीटिंग उनके साथ की है। हमारा आड़ती भी इसलिए बिल्कुल तैयार है कि हम प्रोड्यूस जो किसान का आ रहा है उसको क्रेट के हिसाब से के बजाय हम उसको तोल के लें। और आज की मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि सभी आड़तियों के पास उनकी दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होने चाहिए, ताकि जो किसान अपना वजन के हिसाब से टमाटर बेच सकता उसको तोल सके। और इस पर हम इसको निर्देश भी जारी कर रहे हैं आड़तियों को कि सभी के पास जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होने चाहिए। और विकल्प हमने रखा है मीटिंग में सर्वसम्मति से कि विकल्प ये है कि किसान की च्वाइस है कि वो तोल के बेचना चाहता है या क्रेट के हिसाब से बेचना चाहता है। किसान जैसे भी चाहेगा उसके माल मंडी में हर हाल में बिकेगा। जैसे कि अगर बात करें, मंत्री जी भी यहाँ पर आए थे, वो भी आश्वासन देकर गए थे, लेकिन उसके बाद भी ये जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है, क्या मानते हैं? सही आपने कहा, ये क्योंकि तीसरा दौर की आज मीटिंग हुई है, इससे पहले दो दौर की हो चुकी है। भारत सरकार द्वारा भी हमें सहयोग दिया गया है और इसके लिए बहुत कंपलसरी कर दिया गया कि जो हमारी मंडियाँ अच्छी मंडियाँ हैं उनमें धर्म कांटा लगाया जाए, बे इन मोशन लगाया जाए। तो हमारे पास बे इन मोशन पहुँच चुकी है मशीन, लेकिन हमारा जो गेट है जहाँ से गाड़ियाँ प्रवेश होती है या बाहर जाती है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आ रहा है, नेशनल हाईवे के अधीन आ रहा है, इस करके वहाँ थोड़ा सा रास्ते की स्थिति ठीक नहीं है। और जैसे ही हमारा जो हम अपना एंट्री गेट परिवर्तित कर रहे हैं, दूसरे स्थान पर स्थापित कर रहे हैं, और जैसे वहाँ स्थापित होगा तो धर्म कांटा वहाँ बे इन मोशन लग जाएगा। और वो इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि कोई भी गाड़ी जब भी उसके ऊपर से निकलेगी तो उसको रुकने की आवश्यकता नहीं है, गाड़ी के चलते चलते ऑटोमेटिकली उसमें बेट हो जाएगा।